भाई, काश पूरा दिन ऐसे खूबसूरत बगीचे में बिता सकते हम, कितना मजा आता ना। वैसे मजा तो बहुत आने वाला है जब आप इनके साथ बिताएंगे एक पूरा दिन और करेंगे एक बड़ा ही मजेदार डे आउट। कौन है ये, कौन है ये, बताते हैं। कभी संतोषी माँ, कभी लगान की गौरी, तो कभी मुन्ना भाई MBBS की ये प्यारी सी डॉक्टर। नाम ग्रेसी सिंह, लेकिन किरदार कई सारे। कई फिल्मों में अभिनय करने वाली ग्रेसी सिंह आजकल बन गई हैं संतोषी माँ की माँ संतोषी, और इस भव्य किरदार को निभाने के लिए ग्रेसी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इनके मेकअप में पूरे 1.5 घंटे लगते हैं, कॉस्ट्यूम भारी भरकम होती है, लेकिन जब ये बैठती है माँ के सिंहासन पे तो बन जाती है सभी की रक्षा करने वाली माँ संतोषी। पूरे देश और विश्व में माँ संतोषी की बहुत ही मान्यता है और ग्रेसी सिंह को ये दिव्य किरदार निभाना बहुत ही पसंद है, और इसके लिए लंबे समय तक के मेकअप कराना, सेट पर वेट करना भी मंजूर है, लेकिन पर्दे के पीछे वो अभी भी अपनी डांस रिहर्सल नहीं भूलती। तो रियल लाइफ में कैसी है ग्रेसी सिंह, कैसे बनती है, कैसा है उनका कलाकार से किरदार तक का सफर, ये जानने के लिए आज हम ग्रेसी के साथ NTV के सीरियल संतोषी माँ व्रत की कथाएं के सेट पर पूरा दिन बिताएंगे। देखेंगे उनके साजो श्रृंगार की कहानी, सेट की हलचल, पर्दे के पीछे ग्रेसी क्या करती हैं, कौन है उनके संगी साथी। तो सीधा चलते हैं ग्रेसी सिंह के पास, जो हमें सेट पर डांस करते हुए मिली। भाई ग्रेसी सिंह सेट पर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी डांस प्रैक्टिस करती हैं। भाई इस सेट पे, हमारे संतोषी माँ के सेट पे, ये हमारा एक बहुत सुंदर सा परिवार है। हम बहुत मेहनत करते हैं यहाँ और बहुत दिल से ये सीरियल बनाते हैं, तो यहाँ पे मुझे घर जैसा फील होता है। जैसे ही समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ, या तो मैं कुछ लिखती हूँ और डांस करती हूँ। एक्सरसाइज हो जाती है और उनका डेली रूटीन भी नहीं टूटता। हमारे और भी कलाकार हैं, मैंने देखा है कि जो सिंगर्स हैं वो शूटिंग के बाद गाना प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं डांस कर सकती। इस समय पे ब्रेक चल रहा है तो सब अपना लंच के लिए गए हैं, तो हम यहाँ, मैं थोड़ा डांस, क्योंकि मेरे शोज़ काफ़ी होते हैं क्लासिकल डांस में, और उसकी ये मैं अगले शो की प्रैक्टिस कर रही हूँ। डांस के बाद ग्रेसी जाती है अपने मेकअप रूम में, जहां उन्हें ढलना होता है अपने किरदार में, और उनके मेकअप में सबसे खास होता है ये आलता, जो उन्होंने खास कलकत्ता से मंगाया है। अब बारी है श्रृंगार शुरू करने की। लगाते हैं ये खास मैंने मंगाया है, जो एक दुल्हन का आलता है कलकत्ता का, जिसे बहुत शुभ माना जाता है, हर ऐसे त्योहार पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत आसानी से निकलता भी नहीं है, 3 दिन लगते हैं इसको निकलने में। तो मैं ये लगा के रखती हूँ पहले, और इसका श्रृंगार देवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अलता, क्योंकि देवी जो आशीर्वाद देती है तो उसका भी एक बहुत सुंदर सिंबल कहते हैं कि शी इज़ ब्लेसिंग हैप्पीनेस पीस
प्रॉस्पेरिटी, आज हम जो भी चीज़ें मांगते हैं देवी से उसके हाथों से ये लाल किरणें निकलती हैं। तो हम ये हल्का पहले लगाते हैं और पैर पे भी। देवी संतोषी माँ के किरदार में ये तो जान लिया कि आलते का क्या महत्व है, इसलिए ग्रेसी हाथ और पैरों पर ये आलता लगाती हैं। अब देखते हैं उनके बाकी श्रृंगार की प्रक्रिया। सबसे पहले माथे का श्रृंगार और उसके बाद चेहरे का। मेकअप में हम पहले थोड़ी सी फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन मैं इसमें मेकअप बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखती हूँ। माता के लिए थोड़ा सा हम फाउंडेशन लगाते हैं। बहुत सालों से खुद ही मेकअप करती हूँ हर ओकेजन के लिए, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे मेकअप ट्राई किए थे, हैवी मेकअप भी किया था, लाइट मेकअप, लेकिन ये स्क्रीन पे क्योंकि डिजिटल है तो बहुत हार्श लगने लगा हैवी मेकअप, इसलिए स्क्रीन पे सटल सॉफ्ट मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो इसको सॉफ्टनेस रखा है और ये पीस की देवी है तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं रखा हमने। और इसमें हम कलर्स भी बहुत पेस्टल्स रखते हैं, एकदम लाइट पीच या पिंक कलर्स रखते हैं, तो सिर्फ एक हल्का सा ग्लो देने के लिए फेस पे। और पीच हमेशा से मेरा फेवरेट कलर रहा है मेकअप में, चाहे वो आईज है या लिप्स, पीच या पिंक, उससे एक बहुत यूथफुल और फ्रेश फीलिंग आती है। संतोषी माँ एक देवी का किरदार है और देवी के किरदार में आंखों का बहुत ही महत्व है, जिसके लिए ग्रेसी ये खास काजल यूज करती है। पर ब्लैक काजल है जो ऑथेंटिक देवी का होता है और ट्रेडिशनल, इसको हम थोड़ा सा रोज वाटर, ये हमने स्प्रे रखा है गुलाब जल का स्प्रे, तो ये एक काजल का केक है जिसमें हम गुलाब जल को मिक्स करके और देवी का काजल बनाते हैं। भाई देवी के नैनों के श्रृंगार में सबसे लुक तब आता है जब माथे पर बिंदिया लगती है, और जिसके लिए ग्रेसी ये खास बिंदी लाती है। आईब्रोज को डार्क किया और अब हम बिंदी लगाएंगे। तो बिंदी का भी ये वही सिंदूर है जो एक दुल्हन लगाती है। देवी के लिए हमने वो सारी प्योर चीजें जो हर्बल है, अलता भी हर्बल है, सिंदूर भी हर्बल है। ये अष्टगंध चंदन टीका है, इसमें सारे अष्टगंध है और चंदन के साथ थोड़ा हल्दी, सैफ्रॉन होता है ना, ये सब मिक्स किया हुआ है बिंदी में, तो बहुत डिवाइन रखा है मेकअप देवी के लिए। मैं फाइनली देवी के रूप में ग्रेसी का श्रृंगार तो हो गया, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा वक्त लगता है कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी में। 15 मिनट में हमारा मेकअप हो जाता है, अब समय लगता है हमें ज्वेलरी में और कॉस्ट्यूम्स में। तो देखते हैं कि ग्रेसी सिंह से माँ संतोषी बनने में कौन कौन सी ज्वेलरी वो पहनती हैं। वैसे इस बात का ख्याल रखा है कि सारी ज्वेलरी ऑथेंटिक हो। ये मैं खुद वहाँ जाके लेके आई थी, इसके इयररिंग्स, इसको टेंपल ज्वेलरी बोलते हैं। ये खास देवी देवताओं के लिए इस तरह की ज्वेलरी बनती है। तो चेन्नई के बहुत खास दुकान, बहुत सालों से मैं भरतनाट्यम की ज्वेलरी भी वहाँ से लेती हूँ, तो इसका हमने वहाँ से सिलेक्शन किया था देवी की ज्वेलरी का। और इसका ये मुकुट, मुकुट में जो ये लगे हैं बहुत स्पेशल हैं। केजी 4-5 केजी तक तो होगा, इसको हम बहुत समय तक नहीं पहनते। जब सीन होता है इसके ये बैंगल्स और रिंग्स और नथ। भाई देवी संतोषी के गहने तो देख लिए, लेकिन अब बारी है कॉस्ट्यूम की। यूं तो ये साड़ी ही पहनती है, लेकिन पूरा परिधान इनका काफी भारी भरकम हो जाता है, यानी देवी बनना इतना आसान नहीं। क्यों ग्रेसी? बहुत समय लगा इसका, क्योंकि सही कलर कॉम्बिनेशन और इसका फैब्रिक, वो सब ऐसा है जो लगे कि सच में देवी यही पहनती है। कॉस्ट्यूम का भी बहुत वेट है। गले के ये सब नेकलेसेस को हमने कंबाइन कर दिया ताकि जल्दी से हम
पहन सके। पांच नेकलेस मिला के हमने इसको कंबाइन कर दिया। इयररिंग्स भी हिले नहीं और इसका वजन भी हमें महसूस ना हो, इसलिए हमने ये इसको थ्रेड से बांधा हुआ है। और अब हम इसको मुकुट से छुपाएंगे। तो अब ग्रेसी आधी देवी बनकर तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपने गहने और कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं। बस अब बालों को लंबा करना है और उसके बाद जाना है सेट पर। सेट पर इनका शॉट रेडी है और आज तो देवी के सिंहासन पर ही बैठना है। और सिंहासन पर बैठकर ये लगाती हैं मुकुट और बन जाती है माँ संतोषी। यही है कि मुझे इस थ्रोन पे बैठना है। बस यहाँ बहुत अच्छा कनेक्शन लगता है माता के साथ। इस जगह पे बहुत डिवाइन फीलिंग है। और ये माता का मुकुट, इसमें भी प्योर फीलिंग होती है पहनने के बाद। बहुत वजन है इसका, बहुत समय तक नहीं पहन सकते इसको क्योंकि हैवी है। और अब ग्रेसी रेडी है और अब ग्रेसी तैयार है माँ संतोषी बनकर सबको आशीर्वाद देने के लिए। कहानी है माँ संतोषी जुड़ी हुई तरह तरह की व्रत कथाओं की, उनके भक्तों की और उनके चमत्कारों की। ये तो ग्रेसी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के सीरियल अमानत से की थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली लगान और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों से। इसके बाद वो फिर से बनी माँ संतोषी और एक बार फिर से एन टीवी के नए शो में वो तैयार है सबको आशीर्वाद देने के लिए। उम्मीद है आज ग्रेसी सिंह के साथ सेट पर समय बिताकर आपको इस किरदार और ग्रेसी सिंह के बारे में वो तमाम बातें पता चली हो जिससे आप अब तक अनजान थे और जो आपको बतलाई सास बहू और बेटियां ने। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।